दैनिक जनवाणी के स्थापना दिवस पर बिखरे उल्लास के रंग। जी हां, बिजनौर में महात्मा विदुर की प्राचीन धरती पर आज गुरुवार को दैनिक जनवाणी के 12वें स्थापना दिवस की साक्षी बनी। महाभारत का इतिहास बिजनौर के कण कण में बसा है। ऐसे में जनवाणी का स्थापना दिवस उल्लास के रंग में सराबोर दिखा। मुख्य अतिथि गॉडविन ग्रुप के निदेशक भूपेंद्र सिंह बाजवा बतौर विशिष्ट अतिथि एवं भाजपा के प्रांतीय उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने अतिथियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान मोहित बेनीवाल ने कहा कि जनवाणी निष्पक्ष पत्रकारिता का आईना है, तभी तो पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। बधाई देना चाहता हूं और अगर शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। जब किसी भी शुरुआत के बाद वर्ष बीतते हैं तो हम लोग यह आकलन करने का प्रयास करते हैं कि जब 10-12 वर्ष पहले 2011 में शुरुआत हुई होगी तो एक कल्पना रहती है, एक विजन रहता है कि 10-20 साल बाद हम लोग चाहे वह उद्योग जगत की बात करें, चाहे वह स्कूल कॉलेजों की स्थापना की बात करें, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या पत्रकारिता का जगत हो, एक विजन होता है कि 10 साल बाद उसे कहाँ रहना है, कहाँ पहुँचना है। 2012 में 11 के आसपास जब ये स्थापना गॉडविन मीडिया हाउस के माध्यम से जनवाणी की होगी तो किसी भी अखबार को चलाना एक आसान काम नहीं, और उसको चलाने के साथ साथ सफलता की के शिखर पर पहुंचाते हुए उसका विस्तार करना, उसमें बहुत बाधाएं आती हैं, तमाम तरह की बाधाएं होती हैं, लेकिन उसको किस प्रकार से सही और गलत के आधार पर, गुण और दोष के आधार पर, एक विजन के आधार पर, एक पॉजिटिविटी, मैं देख रहा था, अभी पढ़ रहा था कि टैग लाइन जनवाणी की है सकारात्मक सोच, यानी पॉजिटिविटी को लेते हुए खबरों को और शुद्ध खबरों को, यानी उसमें मिश्रण ना हो, एडल्ट्रेशन ना हो, उसको लेकर के हम लोगों के बीच तक जाएं, यह जनवाणी ने स्थापित किया है। और 12 वर्षों का जो समय है निश्चित तौर पर ही 2 स्टेटों के साथ अब तीसरे स्टेट में प्रवेश करने वाला है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और बिजनौर जैसे जनपद में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, और खास तौर पर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बता सकता हूं कि अगर हम लोग प्रिंट मीडिया की बात करते थे तो जनवाणी उन प्रमुख अखबारों की पंक्ति में आकर के इन 10 वर्षों में खड़ा हो गया जहां पहले केवल दैनिक जागरण और अमर उजाला होते थे, अब उनके समकक्ष दैनिक जनवाणी भी उनके समकक्ष पहुंचा है। इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। हम लोगों का तो आप लोगों से निरंतर बात करना रहता है, सामाजिक क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, हमारे दिगंबर भाई भी बैठे हैं, तो हम सब लोग जब काम करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं, और आम जनमानस के मन में भी ये भाव रहता है कि कोई घटना हुई अगले दिन अखबार में छपी है कि नहीं छपी, उसके मन में जैसा विश्वास रहता है कि वो थाना कचहरी जाता है तो उसको सुनने के लिए प्रशासनिक अधिकारी उसकी चिंता करेंगे, उस पर रिपोर्ट दर्ज करेंगे या उसके लिए काम करेंगे। जब डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो लगता है कि दवा देगा तो मेरा मुझे आराम होगा, उसी प्रकार से जब वो मीडिया में ब्यूरो चीफ या अन्य पत्रकार बंधुओं को अपनी खबर देने का प्रयास करता है तो उसके मन में भाव रहता है जो मैंने सच खबर दी है वो सच्चाई के साथ अखबार में छपेगी, इस विश्वास पर जनवाणी खरा उतरा है और निश्चित तौर पर लोगों का विश्वास जीतने का काम हमने किया है। मैं यशपाल जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने निश्चित तौर पर ही खास तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में समन्वय बनाते हुए इस अखबार को ध्यान देने का काम किया है। लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से देश में राष्ट्रवाद की भावना को, विकास के विभिन्न योजनाओं को, विकास के विभिन्न विषयों को ताकत के साथ उठाया है, और जहां कहीं कभी राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में रही होगी उसको भी बहुत अच्छे ढंग से, कई बार कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन, यानी कि लाइनें लिखी होती हैं लेकिन अर्थ उनके बीच में से पढ़ना पड़ता है, यह काम आप सब लोगों ने किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पर आने वाला दशक, यह जो दूसरा दशक जनवाणी का है, क्योंकि अभी आप लोगों ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी, अपनी वेबसाइट के माध्यम से भी
अब जमाना बदला, 10 वर्षों के अंदर टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। लोग प्रिंट मीडिया के साथ साथ अब न्यूज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम के साथ साथ वेबसाइट पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ी। आप लोगों ने एक अच्छी शुरुआत की है, उसको और ताकत देंगे, ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इसी प्रकार से आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे, हम लोग आपका सहयोग करते रहेंगे, आप हम लोगों का सहयोग करते रहेंगे। इसी बात के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जनवाणी के इस कार्यक्रम में प्रशासनिक राजनैतिक दिग्गजों ने भी शिरकत की। हर किसी ने इस दौर में पत्रकारिता को जिंदा रखने की जनवाणी को एक मिसाल बताया। नगर के काकरान वाटिका मंडप में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं गॉडविन ग्रुप के निदेशक भूपेंद्र सिंह बाजवा, गॉडविन ग्रुप के निदेशक तनवीर सिंह बाजवा, विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह, एडीएम प्रशासन, जिला पंचायत के AMA डॉक्टर श्याम बहादुर शर्मा सहित कई नगर पालिका अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और शिक्षाविद एवं डॉक्टर मौजूद रहे। कार्यक्रम में दिल्ली से गायकों ने अपनी प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। कार्यक्रम का संचालन गुलशन गुप्ता ने किया। पहला तो कार्यक्रम थोड़ा विलंब से हुआ, हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन इस तेज धूप में आपने जो जनवाणी की खुशियों के क्षण में अपना बेशकीमती समय दिया है, उसके लिए हम आपके तब तक हैं आभारी हैं, और इसके लिए धन्यवाद शुक्रिया जैसे शब्द कोई मायने नहीं रखते, आपका शत शत धन्यवाद। मैं दैनिक जनवाणी के 12वें स्थापना समारोह में गॉडविन मीडिया हाउस के ग्रुप डायरेक्टर भूपेंद्र सिंह बाजवा जी, जितेंद्र सिंह बाजवा जी वो हमारे अभी आना था, उन्हें सर को आ नहीं पाए किसी कारणवश, और तनवीर सिंह बाजवा जी मैं आभारी हूँ, उन्होंने बेहद टफ टाइम में बिजनौर आना स्वीकारा, और मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों के साथ बाजवा जी का आप अभिनंदन करें। मैं व्यक्तिगत तौर पे जो आप लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि यदि मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी मंत्री बैठे हैं हम जनवाणी परिवार की तरफ से कृतज्ञ भाव से अनुग्रहित हैं। शत शत धन्यवाद आपका। और राजन जी के भाई हैं ललित जी, हमारा इनका बहुत पुराना संबंध है मुजफ्फरनगर से, मुझे पता चला कि बिजनौर आगे इधर, उनका भी बहुत बहुत आभार जनवाणी के शुभेच्छुओं में, बहुत पहले से ललित जी रहे हैं, धन्यवाद। जिन लोगों का मैं अशोक जी रहते हैं, अशोक मधुप जी हमारे भी सीनियर हैं, और वो घुटनों की उन्होंने ऑपरेशन कराया है, ये प्रेम है उनका, उनका स्नेह है कि वो जनवाणी के 12वें स्थापना दिवस समारोह में डॉक्टर की सलाह भी हम देखने के बावजूद मंच पर आए, बैठे हुए हैं, और जब तक मैं नहीं कहूँगा ये मेरा स्नेह आदेश है, वो जाएंगे भी नहीं। मैं चाहूँगा कि तालियों के साथ मधु जी का स्वागत करें आप। और काकरान साहब, आपने तो हमें एक तरीके से जगह बख्श दी है, और मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिले बने रहे, अगले वर्षों में भी आपका भी सत्ता धन्यवाद। जितने भी जनवाणी परिवार से ब्यूरो चीफ गजवीर सिंह समेत सभी रिपोर्टर, सभी एजेंट, सभी प्रसार के बंदे, एजेंट विज्ञापन के जो आज आप अखबार देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट पर हमारे लिए संभव नहीं था। यदि विज्ञापन दाता और सुबह अलग अखबार चलाने वाले, अखबार भेजने वाले, प्रसार के भाई, दूर दराज में टफ रिपोर्टिंग करने वाले लोग, उनके सहयोग के लिए संभव बिना संभव था नहीं। मैं उनका कृतज्ञ हूँ, और उम्मीद है कि अगले आने वाले वर्षों में भी ये टीम इसी ऊर्जा के साथ काम करती रहेगी। मैं जनवाणी का ये आज शलाघा नहीं है, इन 12 वर्षों में हम ये गर्व कर सकते हैं कि हम किसी पार्टी के विचारधारा से कभी नहीं बने, हम किसी रंग में नहीं रंगे, हमने कोशिश की एक सकारात्मक सोच के स्लोगन के साथ
हम पाठकों के दिलों में उतरे, उनके घरों में उतरे, और इन 12 वर्षों में यदि हम स्थापित अखबारों की श्रेणी में खड़े हुए हैं तो ये आपके प्यार और आपके स्नेह के बगैर संभव नहीं था। मैं बाजवा जी के बारे में, वो मेरे तो डायरेक्टर हैं और मेरे आत्मीय हैं, लेकिन मैं, वो इतने संकोची हैं, वो बताना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं बताना पसंद करूंगा कि आज तक जो पहलवानों का विवाद, कुश्ती विवाद जो आप देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से जो मीडिया में सुर्खियों में है, उसकी जो एडहॉक कमेटी बनाई गई, उसके अध्यक्ष भूपेंद्र जी को बनाया गया, और ये हम सब के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। सर भारतीय पशु संघ के अध्यक्ष रहे हैं और देश की सबसे बड़ी खेल नियामक संस्था IOA में कार्य परिषद के सदस्य हैं भूपेंद्र बाजवा जी। ये वेस्ट यूपी के लिए, हम सब के लिए, ग्रुप के लिए बहुत बड़े गर्व के पल हैं। और अभी आपने देखा होगा कुश्ती संघ में पिछले, मुझे याद नहीं है, मैंने खेल पत्रकारिता में भी थोड़ा बहुत हाथ चलाया है, मुझको मैं खेल पत्रकार ही रहा हूँ, तभी आपने, हमने ओपन ट्रायल कुश्ती फेडरेशन द्वारा होते हुए नहीं देखे। पानीपत में पिछले महीने और इस महीने कुश्ती के लिए ओपन ट्रायल पिछले 50 साल में बाजवा जी ने कराए पहली बार, वो कभी नहीं बताएंगे, लेकिन मेरा बनता है कि जब अपने बीच के बंदे इस तरह परफॉर्म करें तो एक आपकी खुशी होती है। जश्न की वजह कुछ खास नहीं, 12-13 ये कैलेंडर बदलते रहेंगे। उद्घाटन में 12 साल पहले मैं आपके बीच आया था, आपसे मांगा था कि भाई जनवाणी को आप दिलों में, अपने घरों में आप जगह दे दो, आपने दिया, और उसी उपलक्ष्य में आज 12 साल पूरे होने पर हमने सोचा कि एक मीट टूगेदर पैदा की जाए, आपका आशीर्वाद लिया जाए। सिर्फ इस कामना के साथ हम आपके बीच आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपका प्रेम हमें यथावत मिलता रहेगा। इन्हीं चीज़ों का अभी YouTube हमने शुरू किया है, YouTube चैनल, वेबसाइट शुरू की है हमने, और जैसा प्यार जनवाणी को प्रिंट में मिला है ऐसा ही हमें YouTube पर और वेबसाइट पे भी मिला है, और हम ये सिलसिला अब राजस्थान में और दिल्ली एडिशन हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, शायद मे भी शायद 15 अगस्त के बाद हम दिल्ली एडिशन डालने की स्थिति में होंगे। इस मौके पर जो पूरा आयोजन है बहुत शार्ट नोटिस पे हुआ है, जो ब्यूरो चीफ हैं ब्रजवीर सिंह, उनकी मेहनत को शब्द नहीं दे जा सकते, उनकी पूरी टीम, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, उपेंद्र, सोनू, राहुल, सब जितने भी लोग हैं प्लीज हड़ताल से जुड़े हुए सब लोगों के लिए हम कृतज्ञ हैं। उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे जबरदस्त मेहनत की है, ब्रजवीर सिंह और उनकी पूरी टीम को बधाई, और मुझे उम्मीद है कि वो अगले साल फिर हमें बुलाएंगे और फिर हम आप सबके बीच इस जश्न के मौके पर शरीक होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और जो बागपत के ब्यूरो चीफ हैं अमित पवार, यशवीर आए हुए हैं, बाकी साथी भी बैठे हुए हैं, राहुल वगैरह, अमनीत कमल, अमित, संजय गुलजार आए हैं मुजफ्फरनगर ब्यूरो चीफ, विनय शर्मा, सिटी हेड रामपोल तोमर हैं, मनोज प्रसाद के पंकज शर्मा पाठक, श्याम पिंटू हैं, जितनी भी जनवाणी की टीम IT के हैं अश्विनी, इन सब के लिए कोई शब्द नहीं है। पिछले 3 दिन से ये पूरी टीम पागलों की तरह काम किया है इन लोगों ने, और आज जो अखबार देख रहे हैं आप, ये करीब 35 पेज का अखबार, ये इनकी मेहनत की गाथा बताता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की। किसी का नाम यदि छूट जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ किसान यूनियन के नेता भी बैठे हुए हैं और वो अक्सर आपको TV पे भी दिखते हैं, उनका आभार है। किसान यूनियन का तो हमेशा आंदोलन का मैं सहगर्व कह सकता हूँ कि दैनिक जनवाणी जैसा किसी ने कवरेज नहीं किया है। लाख धमकियों और लाख चेतावनियों के बावजूद हमने किसानों की आवाज़ सुनाई और ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। मैं अभी और एंकरिंग गुलशन गुप्ता जी अच्छा कर रहे हैं, और मैं अभी संगीत लहरियाँ थोड़ी बाकी हैं, मैं गुलशन जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो मंच पर आए, फिर एक थोड़ा बाकी है अवार्ड सेरेमनी, उसके बाद प्लीज बात। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ भूपेंद्र बाजवा जी
जिला पंचायत अध्यक्ष प्रसाद जी, सम्मानित समस्त यहाँ मीडिया के हमारे भाई, मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद भाई, क्योंकि जिस तरह से आप बिजनौर मीडिया के सब लोग और अपने बड़े भाई बहन जी चौधरी जी, जिस तरह से जहाँ कहीं हुई अगर हमारी भी गलती होती है तो उस गलती को बार बार कहने का काम करते हैं कि भाई ये गलत है, इस तरह से बात करना चाहिए। या अशोक मधुप जी बहुत पुराने हमारे बुजुर्ग, हम बहुत दिन तक काम किया, वो भी यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ केवल आंदोलन ही आंदोलन नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी जो काम करने का काम किया और मीडिया में जिस तरह से निष्पक्षता के साथ जनवाणी अखबार लिखता है, काम करता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। क्योंकि मैं तो किसान परिवार से हम आते हैं, संघर्ष करते हैं, आज तक किसी भी अखबार में एक रुपए का कोई विज्ञापन हमसे ना मांगा, ना कभी कोई क्या, सबसे ज़्यादा बिजनौर में अखबार में छपने का काम हम करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे सबका सहयोग करते हैं और बिजनौर जनपद में किसान का भी आवाज़ को करते हैं, धन्यवाद। जनवाणी करना आपको जानते हैं, सबसे पहले तो मैं जैनवाणी परिवार का धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, और अपनी ओर क्षमा भी चाहता हूं कि मैं आने में मुझे बहुत देर हो गई। जैसा भाई दिगंबर जी ने भी बताया था, इसमें कोई संदेह नहीं कि जैनवाणी इस बहुत कम समय में जैनवाणी अखबार ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और इससे जुड़े हुए जितने भी पत्रकार बंधु हैं, इनका संचालन करने वाले हैं, वो वास्तव में सच्ची पत्रकारिता के काफ़ी करीब हैं। यह मेरा अपना भी अनुभव है। बहुत बड़ी बात है कि आजकल के इस प्रतिस्पर्धा के युग में आप किसी न्यूज़पेपर को सफलतापूर्वक चलाना आसान कार्य नहीं है। इसके लिए मैं इस अखबार से जुड़े हुए समस्त अखबार के लोगों को की मेहनत को, उनकी सच्चाई और ईमानदारी से किए गए कार्य को सराहना करता हूं और यही कामना करता हूं इसी अनुरूप इसमें वृद्धि करते रहे। एक बार सुने आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। Thank you.
Oh.
भक्तियों।